एक साल का होता है या 3 महीने का, चेक करेंगे अभी। कुछ नहीं, ब्लॉगिंग 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 कर रहा हूँ यूट्यूब पर। कह रहे हैं ब्लॉगिंग क्या कर रहे हो? मुझे लगा उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग नहीं, मैं ब्लॉगिंग कर रहा था, तो बस वही है। तो पोल्यूशन तो करवा लिया है और अब एयर और चेक करा के एयर और डलवा लें अगर गाड़ी में कम है तो एयर भी हो जाएगी। फिर निकलते हैं फटाफट से। हो गया है हमारी गाड़ी का और मैंने करवाया पूरा 1 साल का, ताकि दिक्कत नहीं होगी पूरे साल में। जैसे 3-3 महीने कराते थे तो बार बार दिक्कत आती थी, मतलब हर 3 महीने बाद आप भूल जाओ कि यार पोल्यूशन है या नहीं है। हमें लगता था कि है, लेकिन डेट निकल चुकी होती थी और पुलिस वाले पकड़ के चालान कर देते थे। इससे अच्छा क्या है मैंने पूरे साल का करा लिया। पिछली बार भी मैंने पूरे साल का कराया था, इस बार भी मैंने पूरे साल का कराया, तो उससे क्या होगा कि 1 साल बाद नंबर आएगा। तो ठीक है, बढ़िया, गुड। ये जो है ना, ये गुटखा खाने वाले लोग, ये गुटखा खा के शाहरुख खान और अजय देवगन को दबा के पैसे दे रहे हैं। इनकी बदौलत ही अजय देवगन और शाहरुख खान का घर चल रहा है। अगर ये गुटखे वाले ना हो ना भाई साहब, समझ लो क्या हो बेचारों का। तो थैंक यू भाई, खूब दवाएं खाओ और खूब दवाएं थूको, क्योंकि यही जुबा केसरी बोलती है आप लोगों की। बिट 50-40 आगे कैमरे लगे हुए हैं और हमारी गाड़ी चल रही 30। अब बताओ 50 से ऊपर यहाँ पे आप नहीं जा सकते, जबकि इतना शानदार रोड है, बढ़िया रोड है, लेकिन 50 से ऊपर आप चला नहीं सकते। तो हम वही 45-40 पे चला रहे हैं और दिल्ली के रोड का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि ये है हमारी दिल्ली। तो दिल्ली है हमारी। गिफ्ट लेके आया है तो भाई तेरे को बहुत बहुत मुबारक हो। अगर किसी ने भी नहीं कहा तो मैं कह रहा हूँ खूब अच्छे से गाड़ी चलाओ और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ग्रीन लाइट हो गई है और चलते हैं। मुझे लगता है दूसरों की कोई भी खुशी हो ना, उसमें उसको अगर कांग्रेस कर देते हो तो उसकी खुशी में और 2-4% का इजाफा तो ये करते रहना चाहिए। मैं तो कर देता हूँ भाई, अपना तो ऐसा ही है। हम पहुँच गए माधीपुर स्टेशन और यहाँ से तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता और है, फिर पहुंच जाएंगे हम पर्वत पर। और जगह का नाम भी कितना सोच समझ सकते हैं, आनंद पर्वत, मतलब पर्वत पर जाकर आनंद करो मस्त। और मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे चाचा जी का भी नाम श्री आनंद शर्मा है। बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत मस्त स्वभाव वाले। मिलवाऊंगा जल्दी फैमिली से भी, एक-एक करके जल्दी से फैमिली से भी मिलवाऊंगा। अभी नहीं मिलवा पाया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने सोचा है कि मेरे जब तक 10,000 सब्सक्राइबर नहीं तब तक फैमिली को नहीं मिलवाऊँ, तब तक थोड़ा सा, जब तक 10,000 सब्सक्राइबर नहीं तब तक थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे सारी फैमिली से मिलवाऊँगा। आपको देखी तो होगी आपने, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी होगी, लेकिन हाँ फिर क्या है एक-एक को पकड़ के मिलवाऊँगा। चलते हैं। तो आज तो भाई से आगे निकल रहे हैं। देखो विक्रम वाला आगे चल रहा है, अब मैंने इसको पीछे कर दिया। आगे रेड लाइट है क्योंकि देखो ना ऑटो वाले भी आगे निकल रहे हैं। देखो तो ये होता है जब आप छोटी गाड़ी में होते हो तो ये होता है भाई, लेकिन दिल्ली में तो यही चलेगा। दिल्ली नीचे मेट्रो, सबसे नीचे रोड, फिर मेट्रो, फिर उसके बाद दोबारा रोड। तो यहाँ का काम जो था वो हो गया है और वापसी कर रहा हूँ। और देखो चश्मा टूट गया, नज़र इसे बोलते हैं, नज़र लगी और दुर्घटना घटी। तो चश्मा जो है वो टूट चुका है। अब सनग्लासेस की जगह स्पेक्ट्स पहन लिए मैंने, ऐनक पहन लिए, ऐनक, और चल दिए वापस घर की तरफ। रश हो गया है थोड़ा सा, देखते हैं। 2:28, 4:12 12 मिनट हो रहे हैं। एक जगह और रुकूंगा रास्ते में, उसके बाद फिर सीधा घर। क्या एक्सपीरियंस हुआ आज कि जब मैं गाड़ी को जो है वो 35-40 पे चला रहा हूँ तो कई सारी रेड लाइट आई और वो सारी रेड लाइट मुझे ग्रीन मिली। कमाल की बात है। क्या शायद ऐसे ही कुछ टाइमिंग सेट कर रखा है। मतलब पंजाबी बाग से लेके पीरागढ़ी तक आया हूँ और बीच में 3-4 रेड लाइट पड़ी हैं और वो सारी की सारी मुझे ग्रीन मिली हैं। कमाल की बात है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार। अब पीरागढ़ी पे पहुंच गए हैं, देखते हैं पीरागढ़ी पे। अभी फ़िलहाल तो रेड है, वहाँ तक पहुंचते होता है। ऐसा कुछ है कि टाइम वाइम सेट है, कुछ ऐसा कुछ है कि भाई आपके स्पीड के अकॉर्डिंग कि भाई आपको ग्रीन मिलेगी। इसका देखते हैं भाई क्या सीन है। उसी स्पीड पर चल रहे हैं, लेकिन ये रेडी है अभी तक। तो मुझे लग रहा है ये रेडी रहेगी क्या, फिर कोई बात नहीं। पंजाबी बाग से पीरागढ़ी तक बीच में जितनी भी रेड लाइट आई वो सारी ग्रीन थी। तो यह कि स्पीड स्लो हो जाती है तो रेड लाइट पर रुकना नहीं पड़ता, ठीक है, कोई बात का है कि यार ये चश्मा जो वो टूट गया यार, इसकी डंडी अलग हो गई है। अब देखूँगा इसके लिए क्या करना है मुझे। या तो ये बहुत प्यारे ग्लासेस हैं मेरे ना, तो या तो कोई और फ्रेम अगर मिल जाए इस टाइप का कोई अच्छा सा, तो दूसरा फ्रेम लेके और फिर उसमें ये ग्लासेस फिक्स करा लूँगा, क्योंकि बहुत शानदार है, स्क्रैचेस भी नहीं लगे हुए, नया ही ग्लास, नया ही चश्मा, तो बहुत ही बढ़िया है ये। और देखते हैं, शायद सस्ता भी पड़ेगा। अगर कुछ सस्ता तो फिर क्या, लेकिन हाँ पैसे बचाने हैं तो सस्ता भी पड़ेगा शायद। ये मेरे उस टाइम पे 1800 रुपये का आया था। अब अगर मैं सिर्फ फ्रेम लूँगा तो वो भी 1500 के आसपास आ जाना चाहिए, जहाँ तक अच्छा फ्रेम। तो देखते हैं, चलते हैं शॉप पे और देखेंगे। अभी नहीं, बाद में चलेंगे। और ग्रीन हो गई।